सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज का पंचांग 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 5:42 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:29 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:48 से 5:26 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। धनुराशि 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, आज आप खुद को उलझन में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपना भला चाहने वाले लोगों से उन चीजों के बारे में भी खुलकर बातें करें जो आपको परेशान कर रही है। अनिश्चयता के बादल एक सप्ताह में छट जाएंगे। किसी परिजन या अंतरंग दोस्त का साथ मिलेगा। बोलते हुए सावधान रहें, किसी के आपके शब्दों से गलतफहमी हो सकती है। कार्यस्थल पर स्थायित्व बना रहेगा। किसी भी कार्य को अपने दृढ़ निश्चय से पूरा करने की क्षमता रखेंगे। सिर्फ अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखें। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रही है तो तुरंत अमल कर लीजिए। घर संबंधित कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। अपनी समस्याओं के बारे में जरूरत से अधिक लोगों के साथ बातचीत करने की वजह से आपकी दुविधा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस कारण निराशा बनी रहेगी। किसी व्यक्ति पर भरोसा न रखने की वजह से संबंध में तनाव तकलीफ का कारण बनेगा। खुद की मानसिक अवस्था को सुधारने की कोशिश करें। काम की जगह चल रहे षष्ठ यंत्र का असर आपके काम पर नजर आ सकता है। पार्टनर के द्वारा बोली गई हर एक बात का विरोध करना आपके लिए गलत साबित होगा। सिर दर्द और चक्कर जैसी तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, खुद पर भरोसा रखें। दूसरों की बातों में आकर आप अपने लिए नुकसान कर सकते हैं। आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें। दुविधा की स्थिति में सांचित तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सुख सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना जरूरी है। आज के दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमी को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे दूर हो गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्ते का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बात करते हैं करियर की। आज पेशेवर मामलों में आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन मिल सकता है। उस व्यक्ति के साथ काम करते हुए अपने काम के माध्यम से उसे प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़ें। आप एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दूसरों से इसके बारे में बात करने से बचें। बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा। कारोबारी मामलों में अचानक ही कुछ न कुछ गतिविधियां होगी। स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। टैक्स लोन आदि जैसे मामलों में उलझने बढ़ सकती है, इसलिए इन गतिविधियों को आज स्थगित रखें। बात करते हैं सेहत की। अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जंक फूड खाने से बचें। आपने अपनी पिछली बुरी आदतों और लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। आज अपनी अस्थायी लालच के चक्कर में पड़कर अपनी उस मेहनत को बेकार ना करें।
आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।